दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को साइबर जागरूकता और डिजिटल के बारे में जानकारी दी गई कि कैसे डिजिटल से वो कैश का लेन देन करें कि उनके साथ धोखा ना हो, किसी प्रकार की ठगी ना हो। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री द्वारा एक साइबर फॉरेंसिक कैब का भी उद्घाटन किया गया, जो कि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता को लेकर ये कार्यक्रम किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली अमूल्य पटनायक और साथ ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने भी अपनी अपनी उपस्थिति दी। वहीं गृह राज्य मंत्री ने भी दिल्ली पुलिस के इस कार्यक्रम को सराहनीय बताया। जो वरिष्ठ नागरिक है, अपने जीवन की पूरी पूंजी जो इस उम्र में जहां पर कि हम नया कुछ नहीं कर सकते, ऐसे समय में कभी कभी हम लोगों साथ में धोखा हो जाता है। चोरी होना, डकैती होना, इन बातों के सिवा अभी डायरेक्ट बैंक से अपना पूरा अमाउंट गायब करने की सिस्टम जो है, इसको साइबर क्राइम सूफी भाषा में कहा जा सकता है। यहाँ पर जैसे अभी प्रेजेंटेशन दिया गया है, कोई जानकारी दी गई है, हम अपनी सावधानता सतर्कता बरते, इसी दृष्टि से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन है। मैं ये अच्छे कार्यक्रम के लिए भी आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली पुलिस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली। मीडिया दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से आज हम एक साइबर सेफ्टी एंड डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए खास करके रखे हुए हैं। इस फंक्शन में आने के लिए मैं हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री को खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये रहा कि आजकल के इंटरनेट, स्मार्टफोन, ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल एज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर चीटिंग हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी ये लोग लगातार उस पर लगे रहते हैं। कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसपे हमारे सीनियर सिटीजन्स के जो पूरे लाइफ की जो अर्निंग्स है, उसको भी ये लोग समाव चीट करके उसको ले गए। तो इस तरह की चीज़ें जब ध्यान में आया तो हमने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यों ऐसा एक प्रोग्राम ना ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें उनको साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जा सके, जो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दी जाए। साथ ही इस कार्यक्रम में भारी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं भारतीय भुगतान निगम के अधिकारी ने भी मौजूदा लोगों को ऐप्स की जानकारी भी दी कि किस तरह से ऐप्स का उपयोग कर धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। देखिए इस कार्यक्रम के बारे में वरिष्ठ नागरिकों का क्या कहना है। इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हमें बहुत सहूलियत मिली है और हमें शिक्षा मिली है कि बैंकों से या और चीज़ों से नकली जो ले लेते हैं हमारे से नंबर एटीएम के, वो नहीं देने चाहिए और उनसे सावधान रहना चाहिए। यही है कि ये एटीएम वगैरह के आते हैं, जो फ़ोन आते हैं, एक बार हमें आया था कि एटीएम आपका एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, हमने कहा हमारा एटीएम है ही नहीं। यही है कि आगे से किसी को कोई भी नंबर अपना नहीं देना। सिटीजन का बहुत ही प्रेरणादायक और यह कि सफल प्रोग्राम था, इससे हमने बहुत कुछ सीखा और जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे, अपने लाइफ उन सब बातों को ध्यान रखेंगे और अपने छोटों को भी, दूसरे नागरिकों को भी हम ये समझाएंगे कि किस तरीके से क्राइम जो है पनप रहा है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो है ना, जिस तरीके भी होगा बैंक को और यह कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी लोग ऐसे हैं जो क्राइम कर रहे हैं पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे उनके लिए। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे अवेयरनेस आती है लोगों के अंदर और जो साइबर क्राइम है वो आगे बढ़ेंगे अगर अभी से अवेयर रहेंगे
तो कुछ और सीखेंगे, और सीखने से क्या है कि साइबर क्राइम के ऊपर कंट्रोल रहेगा। बहुत बढ़िया इंतजाम है जी इनका, और हमारे साथ भी हुआ था, एक आया था फ़ोन कि आप अपना नंबर दीजिए, आपकी 10 लाख की वो निकल आया है बोनस। मैंने भाई हमारे को ज़रूरत नहीं है, वो 10 लाख आप ही ले लीजिए और क्या करते। दिल्ली पुलिस ने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत अच्छा है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए इससे बहुत अवेयरनेस आएगी इससे, और ये जागरूक रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका से आया हूँ। कार्यक्रम तो बहुत ही उत्तम रहा, दिल्ली पुलिस ने ये ऑर्गेनाइज किया, बधाई के पात्र हैं। और देखिए ऐसे ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया साइफर का। कल ही एक हमारे साथी का जो है वो सामने एटीएम से पैसा निकाल रहा था, उसका नंबर हैक करके उसका कार्ड छीन के ना, और दूसरे अपने कार्ड से ये 5 मिनट में 25,000 रुपये निकाल लेगा। अब नेचुरली इसकी टेक्निक ये लोग नहीं जानेंगे और सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ना। क्राइम को घटाने के लिए ही दिल्ली पुलिस ये काम कर रही है, और बहुत उत्तम काम कर रही है। दिल्ली पुलिस का जो इनिशिएटिव है और स्पेशली अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये बड़ा ज़रूरी था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा सा एज तो बढ़ गया है और उनको कॉपरेशन बच्चों से मिल नहीं रहा। वो चाहते हैं ऐप्स लगाना, चलना सुनना करना, लेकिन बच्चे कहीं पर कॉपरेट नहीं कर रहे, कभी आसपास के कॉपरेट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से उनको ज्ञान से ये पता चल गया कि हम सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं, और हमारे लिए अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली जो उनका मनी, हार्ड कोर मनी है जब तक उन्होंने कमाया है, वो सेफ होना बड़ा ज़रूरी है। सेकेंड, बिना किसी वजह के एटीएम से जो पैसा निकल रहा है वो भी उनकी सुरक्षा में बहुत घातक है। तो अगर ऐसे प्रोग्राम वो छोटी छोटी जगह पर, खासतौर पर डीसीपी लेवल पर करें, तो अपनी बात को हम कह भी सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, सभी वरिष्ठ नागरिकों का कहना था कि दिल्ली पुलिस की काफ़ी तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया गया है, और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सहयोगी साहिल भामरी के साथ अनमोल कुमार, समाचार वार्ता, दिल्ली।